सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस में जो MTS की वैकेंसी आई है सिविलियन की, उसमें जो ट्रेड टेस्ट होना है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेड टेस्ट की फुल डिटेल वैकेंसी वाइज, यानी वैकेंसी जो है कुक की, वॉशरमैन की, कारपेंटर की, धोबी की, सफाईकर्मी की और भी कई सारी वैकेंसी हैं, उनमें ट्रेड टेस्ट क्या होगा और कितने अंक किस काम के लिए निर्धारित किए गए हैं जब आपका टेस्ट होगा, तो उसके बारे में, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें अगर रिटन टेस्ट के साथ साथ ट्रेड टेस्ट की भी, क्योंकि ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो ट्रेड टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 20 अंक इसमें होंगे। इसमें कम से कम आपको 10 अंक यानी 50% अंक आपको लाने पड़ेंगे, 20 में से 10 अंक आप लाएंगे तभी आपको क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएगा। जो ट्रेड टेस्ट होगा वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। कुक के लिए टेस्ट होगा वो आपके खाना बनाने की, इंडियन डिशेज की ऑथेंटिक रेसिपीज के बारे में, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीका का आपका खाना पकाने का ज्ञान आना चाहिए। इसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। जो खाना है जैसे दाल है, सब्जियां हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो कि किचन में होते हैं, बिजली के सामान, उनकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जानकारी के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। आटा गूंथने के, सब्जी काटने के और मसाले के पीसने की जानकारी के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। बर्तनों को धोने के लिए 3 अंक दिए जाएंगे उसके ज्ञान के लिए। और मेंटेनेंस ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन इन किचन, यानी स्वच्छता और सफाई के लिए किचन में नॉलेज के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। खाना परोसने की आपके मैनर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। वाटर कैरियर के लिए यानी पानी ना लेने के लिए, किचन के बर्तनों को साफ करने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। और उनको जो मैस के बर्तनों और सामान को रखने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। उन किचन और मैस की साफ सफाई के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर कूलर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। और चेंज ऑफ पैड्स इन डिजर्ट कूलर एंड क्लीननेस, यानी जो डिजर्ट कूलर होते हैं उनकी जो जाली होती है उसकी साफ सफाई और कूलर को साफ रखने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे इसकी नॉलेज के। सफाई कर्मचारी के लिए आपको सफाई के लिए जो कि फिनाइल एसिड का इस्तेमाल करके, क्लीनिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके लिए, उसके नॉलेज के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। क्वालिटी ऑफ क्लीननेस के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। कूड़े करकट को इकट्ठा करना इसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, यानी इसके सही तरीके से निस्तारण के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। और ब्लॉक टॉयलेट, सीवर सेप्टिंग टैंक और पाइप, इनकी नॉलेज के लिए आपको 9 अंक दिए जाएंगे। मोची की अगर बात करें तो आपको जूते की सिलाई और मरम्मत के लिए नॉलेज के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। जो इसमें इस्तेमाल होते हैं टूल्स, उनके नाम के लिए, उनका क्या इस्तेमाल है, इसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे। चमड़े के विभिन्न प्रकार और अन्य मटेरियल की जानकारी के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। और जो नेल्स और थ्रीड्स होते हैं यानी धागे और जो सुई होती हैं और जो सामान होते हैं उसकी जानकारी के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। लेदर स्विंग मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टिकुलर लेदर कलर की प्रॉपर शेड के लिए, यानी जूते पॉलिश के लिए और उनकी प्रॉपर शेड के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। धोबी की अगर बात करें तो आपके विभिन्न प्रकार के कपड़े धोने के आपके ज्ञान के लिए जो कि आपको दिए जाएगा कपड़ा धोने के लिए, इसके आप टाइम में आपको धोना होगा, उसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। और कपड़े की विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए, यानी किस किस प्रकार के कपड़े होते हैं, उसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 6 अंक दिए जाएंगे। और वॉशिंग मटेरियल जैसे साबुन, सर्फ, इनकी जानकारी के लिए, वॉशिंग पाउडर की जानकारी के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। टेलर की अगर बात करें तो कपड़े काटने और सिलाई के लिए, जिसमें कॉटन, वुलन और टेरिकोट के कपड़े होंगे, यूनिफॉर्म होंगी, उसके लिए 8 अंक दिए जाएंगे। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ माइनर फॉल्ट्स ऑफ स्विंग मशीन, यानी मशीन में थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, खराबी हो जाती है, उसकी जानकारी के लिए, सही करने के लिए 7 अंक दिए जाएंगे। और जो टूल्स यानी मशीनें या जो औजार हैं जो कि कटिंग और सीने में इस्तेमाल होते हैं उनकी जानकारी के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। दफ्तरी के लिए रजिस्टर मेंटेन करने या फाइल मेंटेन करने के लिए 13 अंक दिए जाएंगे। और डाक बांटने के लिए फाइल दफ्तर में पहुँचाने के लिए 7 अंक दिए जाएंगे। मालिक की अगर बात करें तो आपको पौधे, उनके फूल और जो बरसाती पौधे होते हैं उनकी जानकारी के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के खाद उर्वरक जो होते हैं उनके इस्तेमाल के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा बीजों और बीजों को सही तरीके से रखने और उनको सही तरीके से बोने के लिए जानकारी के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा कलम लगाने और ग्राफ्टिंग के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।
फूलों से बुके बनाने की जानकारी के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं गार्डनिंग में उसके जानकारी के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम बार्बर की नाई की, तो हेयर कटिंग की डिफरेंट स्टाइल की जानकारी के लिए 8 अंक दिए जाएंगे, बॉडी मसाज की जानकारी के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, हेयर ड्रायर और हेयर कटिंग टूल्स की जानकारी के लिए 8 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कारपेंटर की, तो रंधा जो होता है लकड़ियों की घिसाई वाला, उसकी नॉलेज के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, आरी के इस्तेमाल के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, फिटिंग कटिंग ऑफ पट्टम ऑफ डोर्स एंड विंडोज यानी जो पट्टी लगती है उसकी जानकारी के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जो लकड़ी के जॉइंट्स होते हैं उनकी जानकारी के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और जो प्लाईवुड और सनमाइका या लेमिनेट्स होते हैं उनकी फिक्सिंग के लिए मरम्मत के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा कांच को काटने के लिए जानकारी के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो ये बात हो रही थी ट्रेड टेस्ट की, कि ट्रेड टेस्ट अलग अलग आएगा रिटन एग्जाम की मेरिट, और आपने प्रेफरेंस दिया उसके बेस पर आपको किसी एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और उसका आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।